दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारत अपने गोल्डन ईरा जी रहा है, क्योंकि हर रोज नए नए पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज सामने आई है जो इंडिया के लिए काफी प्रॉफिटेबल है और साथ ही चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द। ये डेवलपमेंट्स दो की प्लेयर्स से आए हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो चलिए इन इम्पैक्टफुल इवेंट्स की डिटेल्स में जाते हैं। तो दोस्तों, पहली सिग्निफिकेंट न्यूज सऊदी अरेबिया और यूएई से आई है, जो अरब वर्ल्ड के दो सबसे अमीर देश हैं। इन दोनों देशों ने पाकिस्तानी सिटीजन्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया है, जो एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ना तो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट और ना ही सऊदी बिजनेसमैन और शेख्स पाकिस्तानी वर्कर्स को एम्प्लॉय करना चाहते हैं। यह बदलाव इस वजह से आया है क्योंकि सऊदी अरेबियन बिजनेसमैन और कंपनीज को लगता है कि कई पाकिस्तानी हायर्स क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत से संबंधित तमाम इंटरनेशनल खबरें आपको मिलती रहे। दोस्तों, सऊदी और यूएई गवर्नमेंट्स को यह लगता है कि पाकिस्तानी वर्कर्स का इनफ्लक्स उनके देश में क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ाता है, जो उनके सोशल फैब्रिक और सेफ्टी को डिसरप्ट करता है। इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी, चाहे वो लीगली आए हों या इलीगली, बड़े पैमाने पर भीख मांगने का काम करते हैं, जो इन नेशंस की इमेज को खराब करता है। वेस्टर्न मीडिया अक्सर इस इश्यू को हाईलाइट करती है, दिखाते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई इतने अमीर कंट्रीज होने के बावजूद भीख मांगने वालों की संख्या बहुत है। इस नेगेटिव पोर्ट्रेयल की वजह से इन गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तानी वर्कर्स पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला लिया है, ताकि उनकी इंटरनेशनल इमेज प्रोटेक्ट हो सके। दोस्तों, ये डेवलपमेंट उन इंडियन वर्कर्स के लिए एक्सेप्शनली गुड न्यूज है, जो यूएई और सऊदी अरेबिया जाके काम करना चाहते हैं। इन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स अब पाकिस्तानी वर्कर्स को रिप्लेस करके इंडियन वर्कर्स को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, जो हाईली डिसिप्लिन्ड, केपेबल और स्किल्ड हैं। इंडियन वर्कर्स को इसीलिए फेवर किया जा रहा है क्योंकि उनका रेप्यूटेशन है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज या दूसरे रॉन्गफुल एक्ट्स में इंगेज नहीं होते। इस वजह से इंडियंस अब यूएई और सऊदी अरेबियन कंपनीज और गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए प्रिफर्ड कैंडिडेट्स बन गए हैं। ये शिफ्ट इंडियन वर्कर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है, जो अब इन कंट्रीज में मेन वर्कफोर्स बनने वाले हैं। दोस्तों, दूसरी न्यूज और भी ज्यादा मोमेंटस है। कुछ महीने पहले ये रिपोर्ट किया गया था कि सऊदी अरेबिया इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन पिछले 8 या 9 महीनों से इस पर कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं हुई थी। और यह अनुमान था कि यह इन्वेस्टमेंट प्लान अमल में नहीं हो पाएगा, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट ने नाटकीय ढंग से इस काम में तेजी ला दिया है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के प्रेस नोट के मुताबिक इंडिया और सऊदी अरेबिया ने $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट पर चर्चा शुरू कर दिया है। यह इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 8.5 लाख करोड़ है, इंडियन करेंसी में और विभिन्न सेक्टर्स में बंटने वाली है। और ये डिस्कशंस ले रहे हैं कि कैसे और कहां यह सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यह बातचीत जल्द ही कंक्लूड होंगी, जो मैसिव इन्वेस्टमेंट को इंडिया में कमेंस करने का रास्ता बनाएंगी। दोस्तों, यह $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडियन इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर बनने वाली है। ये इंडिया के हिस्ट्री में सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, जो पहले का $25 बिलियन रिकॉर्ड को ड्वार्फ करती है, जो मलेशिया से इन्वेस्ट किया गया था। इस इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट मल्टीपल सेक्टर्स में अनुभव किया जाएगा और इंडियन इकोनॉमी में दशकों तक रिवर्बरेट करेगा। दोस्तों, जब इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इकोनॉमी में एंटर होती है, ये एक पावरफुल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है, जैसे एक नाइट्रो बूस्ट इकोनॉमी इनविग्रेट हो जाती है, खड़ी होकर रैपिडली एक्सेलरेट करती है। यह फंड इंजेक्शन ग्रास रूट्स लेवल पर प्रोफाउंड इफेक्ट डालेगा। इंडियन कंपनीज, स्पेशली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में सर्ज देखेंगे। नए फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगे, नए कंपनीज फाउंडेड होंगे और नए ऑफिस बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होंगे। यह बिजनेस एक्टिविटीज में बूम थाउजेंड से मिलियंस वर्कर्स की डिमांड क्रिएट करेगा, जो सब्सटेंशियल राइज इन एम्प्लॉयमेंट लीड करेगा। दोस्तों, यह $100 बिलियन का इन्फ्लक्स इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा, जैसे जैसे बिजनेसेस एक्सपैंड होंगे और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे।
एक लार्जर वर्कफोर्स की जरूरत एविडेंट होगी। यह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में सर्ज ना सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगा, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में रिडक्शन एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और स्पेंडिंग बूस्ट होगी। दोस्तों, जबकि यह इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए इमेंस बेनिफिट्स लेकर आती है, यह सिमल्टेनियसली चाइना के लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक सर्व करती है। चाइना में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% से ज्यादा हो गया है, जो इकोनॉमिक स्टिमुलेशन और जॉब क्रिएशन के डायर नीड को क्रिएट करता है। चाइना ने यह मैसिव इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने की उम्मीद की थी, सऊदी अरेबिया से अपने अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को एड्रेस करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर करने के लिए। लेकिन सऊदी अरेबिया का डिसीजन इंडिया में इन्वेस्ट करना इंस्टेड ऑफ चाइना चाइनीज इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को एक सीवियर ब्लो देता है। यह मूव ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स में शिफ्टिंग डायनामिक्स को हाईलाइट करती है और इंडिया के ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को एज अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अंडरस्कोर करती है। दोस्तों, यह डेवलपमेंट्स ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इंप्लिकेशंस लेकर आते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई का डिसीजन इंडियन वर्कर्स को फेवर करने और हेविली इन्वेस्ट करने का इंडिया में डीपनिंग स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज को इंडिकेट करता है। यह अलाइनमेंट ना सिर्फ इंडिया के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को स्ट्रेंथन करता है, बल्कि रीजन में उसकी जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग को भी एनहांस करता है। दोस्तों, मोरओवर पाकिस्तान और चाइना से मूव अवे करना एक स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है बाय सऊदी अरेबिया और यूएई, जो लाइकली इन्फ्लुएंस्ड है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के कंसर्न से। यह शिफ्ट फर्दर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशंस को लीड कर सकता है बिटवीन इंडिया और गल्फ कंट्रीज, जो एक मोर इंटीग्रेटेड और कोऑपरेटिव रीजनल फ्रेमवर्क को फॉस्टर करेगा। दोस्तों, इन कंक्लूजन, यह रीसेंट डेवलपमेंट्स इंडिया के लिए एक नया ईरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज मार्क करते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई में पाकिस्तानी वर्कर्स पर रिस्ट्रिक्शंस सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स खोलती है इंडियंस के लिए, जबकि सऊदी अरेबिया के $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने का प्रॉमिस करता है। यह इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को स्टिम्युलेट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेगा और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का स्टेज सेट करेगा। जैसे जैसे इंडिया अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज ग्लोबल पार्टनर्स के साथ स्ट्रेंथन करता है, यह इन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने और वर्ल्ड स्टेज पर एक मेजर प्लेयर बनने के लिए पॉइज्ड है। दोस्तों, ये पीरियड ऑफ फेवरेबल डेवलपमेंट्स एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर को सिग्नल करता है फॉर इंडिया, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, एनहांस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स और स्ट्रेंथेंड जियोपॉलिटिकल अलायंसेस से कैरेक्टराइज्ड है। इंडिया का गोल्डन ईरा सिर्फ एक फ्लीटिंग मोमेंट नहीं है,